उच्चतम न्यायालय ने जारी किया था आदेश जिस पर ईपीएफओ काम कर रहा है। और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ ये खास रिपोर्ट। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। उनकी मेहनत जो रंग लाती नजर आ रही है, एनएससी की मेहनत है जो आपको बता दें कि आप सभी के हक में लड़ रही है जो विरोध, उसे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने जा रहा है। सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर सरकार अब जल्दी नए कदम उठाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेंशनर्स के हक में एक बड़ी अपडेट जारी की। इस तरह की सोशल मीडिया के आधार पर बड़ी जानकारी आ रही है, जैसा कि आपकी पेंशन है जो वर्तमान में मिनिमम, उसे बढ़ाने को लेकर अपडेट आ रही है कि नए नियम सरकार ने जारी किए हैं। जिन नियमों से पेंशनर्स को भारी लाभ होने वाला है, तो कौन कौन से आपको पेंशन धारकों को लाभ मिलेंगे और किन किन पेंशन धारकों को मिलेंगे और कौन से यानी कि पेंशन धारक है उनको नहीं मिलेंगे, और सरकार ने आखिर कौन से नए नियम जारी किए हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको अभी तक यानी कि आपने अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है, जो जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करवाया, तो जल्दी से जमा करवा ले, नहीं तो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। ये काम आपको बेहद जरूरी करना है। तो अगली अपडेट आ रही है कि आपकी पेंशन है वर्तमान में मिनिमम 1000 रुपये की राशि, उसे बढ़ाकर के 7500 रुपये करने को लेकर अपडेट आ रही है। साथ में आपको महंगाई भत्ता और हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे भी पेंशनर्स थे जो इस योजना में शामिल नहीं थे, उन्हें भी शामिल करके सरकार 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन